अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमने बताया था एचडीएफसी बैंक का मैक्स सेविंग अकाउंट आपको कैसे खोलना है और उसमें क्या कुछ प्रोसेस होता है, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में दी गई थी। पहले तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में मैक्स जो सेविंग अकाउंट है वो अगर अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। अभी हमारे पास उसका वेलकम किट यहाँ पे मुझे मिल चुका है। इस वेलकम किट में क्या देखने को मिलेगा, देखो एक चेकबुक आ जाएगी, एटीएम कार्ड आ जाएगा, इसके अलावा पिन आ जाएगा और यहाँ पर बेसिक सी चीजें ये बुकलेट वगैरह होती है वो सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। पहले इसको रखते हैं साइड में, बताते हैं आपको क्या कुछ फायदे आपको इस कार्ड से मिलने वाले हैं, क्या कुछ चार्जेस होते हैं, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आपको लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक का एक प्रीमियम अकाउंट है तो यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना कंपलसरी है। यहाँ पर आपको 25,000 रुपए, यानी दो तरह के अकाउंट है, एक 10,000 वाला, एक 25,000 वाला। मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए वाला अकाउंट यहाँ पर ओपन कराया है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 25,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 25,000 रुपए से लेकर के आपका 20,000 रुपए तक के बीच में बैलेंस रहता है तो आपको 300 रुपए यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं प्लस 18% जीएसटी। तो यहाँ पर आपको 25,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और 20,000 से भी मेरा बैलेंस कम रहता है तो मुझे 600 प्लस जीएसटी यहाँ पे मेरे को चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो इस अकाउंट को ओपन कराते हैं, बी केयरफुल, आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं, आपको 25,000 रुपए मेंटेन करना ही करना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है या तो एक 25,000 रुपए की आप एफडी करा दो इस अकाउंट में और भूल जाओ तो आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और आपका पैसा भी सिक्योर रहेगा, ठीक है। या फिर आप जो है यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि 50,000 का बैलेंस ऊपर रखिए, कभी अगर आपका एक दो दिन कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आप 15 दिन तक 50,000 रुपए भी रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो पूरा का पूरा 25,000 रुपए वाला कैलकुलेशन 30 दिन तक, मतलब कहने का मतलब 7,500,000 रुपए आप चाहो तो एक बार जमा करो एक दिन के लिए और फिर 29 दिन तक कुछ भी जमा नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। यानी कि हर दिन का कैलकुलेशन 25,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होएगा महीने का, तो वो आपका जरूर से यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए, पहली चीज तो ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसका आपको और भी क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो और भी बहुत सारे तरीके के, प्रीमियम अकाउंट है तो प्रीमियम फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। देखो बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप इसमें जो है आपका डेबिट कार्ड होता है वो आपको लाइफ टाइम फ्री रहता है, किसी तरह का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। साथ में यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं, बहुत सारे कैशबैक भी मिलते हैं, बहुत सारे जगह पे इसके डेबिट कार्ड की मदद से 12,000 रुपए तक आप कैशबैक कमा सकते हो। तो 12,000 वाले कमाने के लिए तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, लेकिन आप फिर भी अगर बात करो यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है जो कि क्रेडिट कार्ड में मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड पर भी मिल जाता है। इस अकाउंट को ओपन कराने का मेरा प्राइमरी गोल क्या है, मैंने इस अकाउंट को ओपन क्यों कराया कि इस पे आप जो है यूटिलिटी बिल पेमेंट करके 750 रुपए हर महीने कमा सकते हो, यानी कि साल के 9,000 रुपए आसानी से इसके डेबिट कार्ड की मदद से कमा सकते हो। साथ में इसके डेबिट कार्ड से ईएमआई पे भी प्रोडक्ट ले सकते हो, अमेजन की या फ्लिपकार्ट की कभी सेल आती है तो एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड होते हैं उस पर भी काफी अच्छे कैशबैक या डिस्काउंट ऑफर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी जो हमारे पास वेलकम किट आई है उसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक का ये वेलकम किट हमें रिसीव हो चुका है, यहाँ पे मेरी बेसिक डिटेल है जिसको मैंने कुछ हद तक हाइड किया हुआ है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लोगो मिल जाता है, पीछे की तरफ सेफ्टी रीजंस दिए गए, पैकिंग वगैरह काफी अच्छे तरीके से दी गई है। जैसे आप लीफलेट को ओपन करते हैं सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा इसके अंदर आपको क्या क्या चीज दी गई है। एक आपको यहाँ पे चेकबुक दी गई है, एक कार्ड दिया गया है, एक नेट बैंकिंग का आपको पिन दिया गया है और आपको पासबुक दी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई, मैंने अपना नाम एड्रेस वगैरह कुछ चीजें बेसिक चीजें आपको हाइड करी हुई है। यहाँ पर जाते हैं तो ये आपको एक चेकबुक मिल जाती है कि जो कि 25 पन्नों के आसपास या 20 पन्नों के आसपास की चेकबुक है। सिंपली इस चेकबुक को अभी अपन रखते हैं साइड में। एक हमें मिल जाती है पासबुक जो कि आसान, तो ये पासबुक आपको मिल जाती है। पासबुक पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है, आपका नाम वगैरह भी आपको पासबुक पर प्रिंट करके दिया जाएगा जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, सिंपली इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ये पासबुक मिल जाती है, व्हाट्सएप बैंकिंग भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपका दिखा रहा है कि एचडीएफसी बैंक में प्रीमियम डेबिट कार्ड, आपका ये डेबिट कार्ड का नंबर है, एचडीएफसी बैंक का अकाउंट नंबर ये आ गया, डेली डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉल जो है वो 1,00,000 रुपए तक की है और आप शॉपिंग कर सकते हो 50,000 रुपए तक की। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इस कार्ड पर। सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है, अप टू 9,000 रुपीज़ ईयरली आप कैशबैक कमा सकते हो, 750 रुपए पर मंथ सेलेक्टेड मर्चेंट कैटेगरी, 3 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पे डेथ कवर मिल जाता है, 10,00,000 रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है। बाकी सब चीज़ें उन सब से तो इतना कुछ खास मेरा काम का नहीं है, मैं तो उस 9,000 रुपए के पर्पज से इस अकाउंट को ओपन किया हूँ। और आप इस अकाउंट से एवरी ईयर प्लेटिनम डेबिट कार्ड से 15,000 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं, लेकिन इतना कुछ तो नहीं मिलेगा। ये इसको एटीएम को पिन को कैसे एक्टिवेट करना है, पिन जनरेट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है
वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। रही बात इसके डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड जो है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सिंपली डेबिट कार्ड को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और आपको दिखाते हैं डेबिट कार्ड आपको कैसा देखने को। डेबिट कार्ड देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। नीचे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरे नंबर्स वगैरह डेबिट कार्ड के जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, और बैक साइड में कुछ खास नहीं है। सिंपली इस तरीके के आपको डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। ये आपके सामने सारी चीज़ें आ चुकी है और ये यहाँ पर इसकी ऑटोमेटिक योर बिलिंग, मतलब आपको बिलिंग वगैरह के लिए है ना, आप ऑटो पे सेट कर सकते हो। अप टू 5% का आपको कैशबैक मिलता है। आप लिमिट वगैरह को सेट कर सकते हो, अपने डिटेल्स की यहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, फ्री इंश्योरेंस कवर्स मिल जाते हैं। वो ये सब चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, जिनको कोई भी मेरे हिसाब से पढ़ता नहीं होगा, जिनके पास भी आती होगी, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो फ्री में आप इसे आसानी से बैठे बैठे फ्री टाइम में अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई, इनके जितने भी लीफलेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। HDFC बैंक की जो कार्ड एप्लीकेशन होती है उससे आप आसानी से सब चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, सेविंग एंड सैलरी अकाउंट, ये सब चीज़ें आपको दी गई है। यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज़ें आपको देखने को, देखो इतने सारा पेपर वेस्टेज है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन आपके पास घर पर आ चुकी होगी। ठीक है, अगर आप भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें से खाली काम की क्या चीज़ें, एक चेकबुक काम की है, एक पासबुक काम की है और ATM कार्ड। बाकी सारी चीज़ें तो मेल पे भेज देते हैं यार, हमें कहाँ जरूरत थी पेपर वेस्ट करने की। और इतने ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे तो पेड़ों की कटाई तो आप लोग जान ही रहो किस तरीके से हो रही है दिन दिन। तो मेरा मानना है कि इतने सारे लीफ प्लेट नहीं भेजने चाहिए थे, खाली यहाँ पर एक चेकबुक से काम चल जाता और यहाँ पर जो है एक पासबुक की भी आजकल जरूरत नहीं है क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन अपडेट हो जाती है। और एक डेबिट कार्ड, इसके अलावा ये जो कचरा भेजा है ना, मेरे हिसाब से ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। आप लोग क्या कहते हो, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।